हेलो दोस्तों, मैं वंटी निराला, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल निराला कंप्यूटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा अपने जो आधार सॉफ्टवेयर रहता है उसका बैकअप अपन लोग किस तरीके से ले सकते हैं, इस पर पूरी चर्चा होगी। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल निराला कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं हम अपना जो आधार सॉफ्टवेयर है उसका बैकअप किस तरीके से ले सकते हैं। 100% वर्किंग कंडीशन में आपको बैकअप लेना होगा, जिससे आपको इन फ्यूचर यदि आपके सिस्टम में यदि कोई प्रॉब्लम आता है आधार से रिलेटेड, तो आप उसका सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इस पर होते क्या है, जब आपका सिस्टम 100% वर्किंग कंडीशन में हो और नया कोई वर्जन आता है, अपडेट हो जाता है, तब स्थिति में आपको ये बैकअप लेके रखना चाहिए, जिससे कि यदि आपका सिस्टम जैसे कभी कभार ऑटो हाइड होने लग गया या फिर और किसी तरीके की समस्या आए, तो उस कंडीशन में आप जो पिछला मतलब करना चाहिए पुराने वर्जन का आप बैकअप लेके रखेंगे या फिर उसी वर्जन का बैकअप लेके रखेंगे जब तक जब सिस्टम आप पर चल रहा होता है, उसी फाइल को आप लोग रिप्लेस कर देंगे तो आपका काम हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग बैकअप किस तरीके से लेंगे और 100% ये किस तरीके से सेफ है उस पर पूरी बात करेंगे। तो चलिए इस पर पूरा बात करते हैं और जो बैकअप किस तरीके से लेते हैं उसके बारे में देखते हैं। आधार सॉफ्टवेयर का बैकअप लेने के लिए सबसे पहले आपने जैसे कि देख सकते हैं मेरा जो आधार सॉफ्टवेयर है ये रनिंग कंडीशन में है, तो आपको सबसे पहले इसको क्लोज करना होगा। क्लोज कर देंगे उसके बाद सर्विसेज में जाके जो आधार से रिलेटेड सर्विसेज हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आधार कैमरा वेंडर, इन सभी चीज़ कैमरा को यदि आप लोग कहना चाहिए इसको स्टॉप नहीं करते हैं तब भी चलेगा, लेकिन मैं कहूँगा सारा चीज़ को आप लोग स्टॉप कर दीजिए। यहाँ पे आधार इनरोलमेंट सर्विस क्लाइंट है, इसको भी स्टॉप कर देंगे। इसके बाद QSS ITV सर्विस है, इसको भी आपको स्टॉप कर देना है, मतलब इन चारों चीज़ों को आपको स्टॉप कर देना है। जब भी आप बैकअप लेते हैं कुछ इस तरीके के स्टेप फॉलो करिए। उसके बाद आपने जिस PC में आके सी ड्राइव में आ जाना है, उसके बाद जो UID अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाले जो फोल्डर है इसको आप लोग राइट क्लिक करके डायरेक्ट इसको कंप्रेस फाइल में भी बना सकते हैं, अदरवाइज इसको कॉपी कर लेंगे दूसरे ड्राइव में जो कि सही रहेगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, वापस से आपको दिखाता हूँ। इसको कॉपी कर लेना है और आप अपना दूसरा ड्राइव का यूज़ करिएगा, सी ड्राइव में ही कॉपी नहीं करना है आपको। इसको वापस जैसे प्रोसेसर में बार बार दिखा रहा हूँ, इसको कॉपी कर लेना है और दूसरे ड्राइव में आपको कॉपी करना है। जैसे कि मैं अपने डी ड्राइव को जो है इसमें मैं इसको पेस्ट करता हूँ। डिपेंड करता है ये आपके सिस्टम के स्पीड ऊपर कितना जल्दी होता है और डाटा कितना है उसके ऊपर, इसमें समय लग सकता है 2-4 मिनट 5 मिनट जो भी है, तो आप लोग इसका ध्यान रखिए और सारा चीज़ हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि ये देख सकते हैं मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्पीड कर दिया था। उसके बाद आपको हेड टू UID अथॉरिटी RAR फाइल में मतलब ZIP फाइल में आपको इसको कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे भी आप इसको ZIP फाइल में भी कन्वर्ट कर लेंगे तो इसमें होता ये है कि यदि आपका कोई डाटा करप्ट हो जाता है तो ये सारा ZIP फाइल में ऐसा कुछ नहीं रहता है, जो बाहर से ऐड नहीं होता है, जो ऐसा है वैसे ही रहता है, तो आप इसको ZIP फाइल में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही ZIP फाइल में कन्वर्ट कर लेंगे आपका ये बैकअप रेडी हो जाएगा। जैसे कि मेरा देख सकते हैं 19 मार्च 2024 की डेट में ये बैकअप रेडी हो गया है और मैं इससे पहले भी बैकअप लेके रखता हूँ। तो यदि आपने जैसे नॉर्मल फाइल जो आपने कॉपी किया है उसको डिलीट करना चाहें तो उसको डिलीट कर सकते हैं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। इन फ्यूचर यदि आप इसको यूज़ करेंगे तो ये जो ZIP फाइल है इसको एक्सट्रैक्ट करके आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपका ये बैकअप फाइल रेडी हो गया, आप आधार से रिलेटेड जो भी सर्विसेज आपने कहना चाहिए यहाँ से स्टॉप किए हैं उन सभी को आपको रीस्टार्ट कर लेंगे और आपका यहाँ से बैकअप फाइल भी क्रिएट हो गया, आपका काम भी पूरा हो गया। तो इस तरीके से आप आधार का बैकअप फाइल बना सकते हैं दोस्तों। और जब भी आपका कोई सिस्टम से रिलेटेड कोई इशू आता है तो इस बैकअप फाइल का यूज़ कर सकते हैं।